दोस्तों, आपने अभी तक जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सुने हैं, चाहे वो सी हो, जावा हो, पाइथन हो, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्होंने भी इन्हें डेवलप किया होगा उन्होंने इन लैंग्वेजेस को कैसे बनाया होगा? या अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करूं कि अगर आपको खुद का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना बनाना है तो आप उसे कैसे बनाएंगे? तो आपको पहले यह समझना होगा कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश में हो ऐसा जरूरी नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप अपने मदर टन में भी बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको एक स्क्रीनशॉट, जो एक छोटा सा कोड है। आप देखेंगे बीच बीच में यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आप जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं वो हिंदी में है, तेलुगु में है, मराठी में है, भोजपुरी में है, ये हमारे कंप्यूटर को थोड़ी ना समझता है। कंप्यूटर को तो सिर्फ समझता है लैंग्वेज ऑफ वन एंड जीरोस, यानी कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। यानी दोस्तों, अगर आप खुद का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि जो भी लैंग्वेज से आप प्रोग्राम लिख रहे हैं वो अल्टीमेटली वंस एंड जीरोस में कैसे कन्वर्ट होगा। मतलब आपको एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा जिसके जरिए आपने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की है उसका यूज करके जो भी प्रोग्राम लिखा जा रहा है वो वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट हो पाए, राइट? सो यहाँ पर दोस्तों आपको दो चीजों को समझना होगा। सबसे पहले ये कि वो लैंग्वेज जो हमें आसानी से समझ में आती है, जो भी हमारी मदर टन होगी, जो हमें समझ में आती है, चाहे वो इंग्लिश हो, मराठी हो, भोजपुरी हो, एनी लैंग्वेज, वो दोस्तों लैंग्वेज कहलाएगी हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है जो इजिली हमें समझ में आए, और लो लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है जो मशीनों को आसानी से समझ में आए, जो मशीनों के करीब हो। तो जो लैंग्वेज हमारे करीब है वो हाई लेवल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज मशीनों के करीब है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज कहा जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ट्रांसलेटर की जरूरत होगी, ऐसे ट्रांसलेटर की जरूरत होगी जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब जो भी हमने इंग्लिश में लिखा है या जिस भी लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम बनाया है उसे ट्रांसलेट कर सके मशीन लेवल यानी बाइनरी वंस एंड जीरोस में, समझ रहे? तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि सर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि डायरेक्टली जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो वंस एंड जीरोस में लिखे? तो अगर दोस्तों हम ऐसा कोई प्रोग्राम बनाते हैं जो डायरेक्टली वंस एंड जीरो में मैं कोड करूँ तो वो एकदम फास्ट कोड होगा। मतलब एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मुझे एक प्रोग्राम बनाना है टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ठीक है? तो एक बंदा सी लैंग्वेज का यूज करके वो प्रोग्राम बनाता है और दूसरा बंदा उसे डायरेक्टली वंस एंड जीरोस में बनाता है। तो मालूम है किसका कोड फास्ट चलेगा जो डायरेक्टली वंस एंड जीरो में बना रहा है, क्योंकि जिसने भी सी लैंग्वेज का यूज करके बनाया, सी लैंग्वेज इंग्लिश में लिखी गई है, तो उस बंदे को सबसे पहले क्या करना होगा, उस प्रोग्राम को वंस एंड जीरो में ट्रांसलेट करना होगा। तो दोस्तों, ट्रांसलेट करने के बाद जो भी उसका प्रोग्राम है उसे वंस एंड जीरो में ट्रांसलेट करना होगा, फिर कंप्यूटर उसे समझ पाएगा। तो ट्रांसलेशन में इसका टाइम जा रहा है, जबकि जिस बंदे ने वंस एंड जीरोस में बनाया है उसका प्रोग्राम डायरेक्टली कंप्यूटर समझ लेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि सर तो ये तो अच्छा हुआ ना कि अगर मैं ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाता हूँ कि एक प्रोग्राम किसी ने इंग्लिश में लिखा है और किसी ने वंस एंड जीरोस में लिखा है, राइट? तो जो वंस एंड जीरोस में लिखेगा उसका तो फास्ट चलेगा और जिसने इंग्लिश में लिखा है उसका थोड़ा स्लो चलेगा, बिकॉज उससे पहले वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन दोस्तों, दिक्कत ये होती है कि हमें वंस एंड जीरोस की जो लैंग्वेज है वो समझने में प्रॉब्लम होती है। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि कल से मैं सिखाना चालू करूँ कि कैसे हम बाइनरी में किसी प्रोग्राम को लिख सकते हैं तो शायद कई साल लग जाए तो भी आप परफेक्शन से उसे सीख ना पाए, क्योंकि यहाँ पर एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखो ना, यहाँ पर ये जो छोटा सा प्रोग्राम लिखा गया है 10 10 10, अभी से इंटरप्रेट करना कितना मुश्किल है, जबकि यहाँ पर जो लिखा गया है आप सीधा पढ़ सकते हो, सेल प्राइस इक्वल्स टू 1.66, है ना, सेल प्राइस इज ग्रेटर देन 2, तो उसे रीड किया जा सकता है, वो रीडेबल है, जबकि ये रीडेबल नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब ह्यूमन एरर, हमसे गलतियाँ ज़्यादा हो सकती है और इसे कोड करना भी बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए ज़्यादातर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप किए जाते हैं वो हमारे कन्वीनियंस के लिए डेवलप किए जाते हैं, मतलब वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम इजिली प्रोग्राम कर सके। लेकिन जब भी दोस्तों कोई लैंग्वेज बनाया जाता है तो ऐसा ट्रांसलेटर भी बनाना पड़ता है जो हमारे लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट कर पाए। तो दोस्तों, यही ट्रांसलेटर कहलाता है कंपाइलर। तो दोस्तों, कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं उसे वो वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट करे, और उसकी सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, तो एरर ढूंढना, देन उस कोड को ऑप्टिमाइज करना, अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, एंड देन फाइनली उस कोड को वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट करना, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपाइलर की। यानी अगर कोई बंदा खुद का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले उस लैंग्वेज का कंपाइलर बनाना होगा। दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज की एफिशिएंसी उसके कंपाइलर पे डिपेंड करती है, यानी उसका कंपाइलर कितना ऑप्टिमाइज वे से डेवलप किया गया है वो डिसाइड करेगा वो लैंग्वेज अच्छी है या खराब है। इसे आप और बेहतरीन तरीके से समझेंगे जब मैं आपको कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये तो समझ गया कि हमें एक ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत है
जो हमारे लिखे गए कोड को, जो हमारा कोड पूरा का पूरा इंग्लिश में है, उसे कन्वर्ट कर सके यहाँ पर दोस्तों वंस एंड जीरोस में। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कंपाइलर। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं कि कंपाइलर इस पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म कैसे करता है। तो दोस्तों कंपाइलर के तीन मेन टास्क होते हैं। सबसे पहला उसका टास्क होता है एरर चेकिंग का, यानी ये चेक करना कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर प्रेजेंट है या नहीं। सेकेंड उसका टास्क होता है ऑप्टिमाइजेशन, यानी आपका जो भी प्रोग्राम लिखा गया है वो इस तरह ऑप्टिमाइज करना ताकि वो फास्ट रन हो सके। दोनों ही चीजों का भी मैं एक्सप्लोर करूंगा अच्छे से। ट्रांसलेशन दोस्तों उसका सबसे मेन काम है, यानी जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। सो आइए दोस्तों तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एरर चेकिंग के बारे में। अब जब आप कहते हैं कि इस प्रोग्राम में एरर है तो आपका कंपाइलर इसे आइडेंटिफाई कैसे करेगा, यह सबसे मेन क्वेश्चन है। तो इसे मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। मान लीजिए यहां पर मेरे पास एक इंग्लिश में सेंटेंस है इट इज बिग, तो ये करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन इसी सेंटेंस को इस तरह लिखा जाए बिग इट इज, तो ये गलत हो जाता है। क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों कि जो एडजेक्टिव है वो हमेशा यहाँ पर जो वर्ब दिख रहा है उसके बाद आएगा, पहले नहीं आ सकता, राइट। तो ये आपने आइडेंटिफाई कैसे किया? ग्रामर के रूल से। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की एक ग्रामर है जिसका यूज करके आप ये बता सकते हो कि कोई सेंटेंस सही है या कोई सेंटेंस गलत है, राइट। मतलब अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी है ना, तो आपको इसी तरह का एक ग्रामर बनाना पड़ेगा जो ये बताएगा कि जो भी आपने प्रोग्राम में लिखे हैं ना स्टेटमेंट्स, वो सही है कि नहीं। तो दोस्तों किसी भी प्रोग्राम में कोई स्टेटमेंट सही या गलत वो उस लैंग्वेज के ग्रामर से चेक किया जाता है। तो जैसे इंग्लिश हिंदी सब में ग्रामर होता है ना, हर एक लैंग्वेज का ग्रामर होता है, वैसे ही दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी ग्रामर होता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप नेट पे सर्च मार सकते हैं ग्रामर्स यूज्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो आप कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर नाम की चीज पढ़ेंगे तो ये आपको पूरा का पूरा कोर्स आएगा थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसे मैं आगे कवर करूंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ग्रामर होता है जिसके जरिए ये बताया जाता है कि जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें हर एक सेंटेंस सही है कि नहीं। लेकिन उसके पहले भी आपको ये समझना होगा कि ये सेंटेंस गलत था ये आपने कैसे बताया। पहले आपने ये आइडेंटिफाई किया ना कि इसमें एडजेक्टिव कौन है, वर्ब कौन है, प्रोनाउन कौन है, राइट। तो आपका जो भी सेंटेंस है पहले आपको उसको पार्ट्स में क्लासिफाई करना पड़ेगा ना, फिर आप बताओगे कि वो प्रॉपर ऑर्डर में है कि नहीं। तो दोस्तों किसी भी सेंटेंस को उसको उसे के पार्ट में क्लासिफाई करना ये प्रोग्रामिंग जो प्रोसेस है उसमें कहलाता है लेक्सिकल एनालिसिस, ठीक है। तो इसे मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। अब ये दोस्तों प्रोग्रामिंग का एक सेंटेंस है, जब मैं प्रोग्राम आपको सी में कराऊंगा तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर बेसिकली एक सेंटेंस लिखा गया है इंट ए इक्वल्स टू बी प्लस सी देन सेमी कॉलन। तो दोस्तों इंट का मतलब होता है ये जो ए नाम की वेरिएबल है ना इसमें इंटीजर डेटा स्टोर करेंगे। इंटीजर आपको मालूम है 1, 2, माइनस 1, माइनस 2 है ना, ये सारे इंटीजर्स हैं। तो दोस्तों ए जो है वो इंटीजर डेटा स्टोर करेगा, ये इंट बता रहा है, मतलब इंट डेटा टाइप है। और इक्वल टू और जो प्लस दिख रहे हैं ये ऑपरेटर्स है, और बी और सी भी वेरिएबल है, और जो यहाँ पे सेमी कॉलन दिख रहा है ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। इनके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल आप ये समझिएगा कि ये एक प्रोग्राम का स्टेटमेंट है, ये सही है कि नहीं मुझे पता करना है। तो जैसा कि मैंने बताया हर एक लैंग्वेज का एक ग्रामर होता है, तो ग्रामर के जरिए पता किया जाएगा कि ये सही है कि नहीं। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर सेमी कॉलन में हटा दूं तो तुरंत एरर आ जाएगा, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट सेमी कॉलन से टर्मिनेट होना चाहिए सी में, ठीक है। तो अगर ये सी लैंग्वेज का एक स्टेटमेंट है तो ये सी लैंग्वेज के हिसाब से गलत हो जाएगा अगर मैं सेमी कॉलन हटा दूं। तो ये चेक कैसे होगा? कुछ ग्रामर्स के रूल होते हैं जो ये चेक करेगा कि एंड में सेमी कॉलन है कि नहीं। लेकिन दोस्तों उसके पहले भी ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है उसे हम क्लासीफाई करते हैं कि इसके अंदर यूज क्या क्या हुआ है। जैसे इसके अंदर ए बी सी ये जो तीन दिख रहे हैं ये वेरिएबल्स हैं जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। इक्वल टू प्लस जो है वो ऑपरेटर है, सेमी कॉलन टर्मिनेटर है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और इंट क्या है? डेटा टाइप, जो बता रहा है ए स्टोर क्या करेगा। तो दोस्तों इस तरह आपके सेंटेंस को वेरियस पार्ट में क्लासिफाई करना कहलाता है लेक्सिकल एनालिसिस, जिसके जरिए ही आप आगे बता पाओगे कि वो चीज सही ऑर्डर में है कि नहीं। जैसे अभी आपने इंग्लिश सेंटेंस में देखा कि प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव प्रॉपर ऑर्डर में है कि नहीं, इसके पहले आपको चेक करना होगा ना कि प्रोनाउन कौन है, एडजेक्टिव कौन है, वर्ब कौन है, राइट। तो उसी तरह हमें यहाँ पर पहले अपने स्टेटमेंट, जो भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है उसे क्लासीफाई करना पड़ता है। दोस्तों ये प्रोसेस क्या कहलाता है मैंने आपको भी बताया, लेक्सिकल एनालिसिस। और उसके करने वाले, इसको करने वाला जो प्रोग्राम होता है वो कहलाता है लेक्सिकल एनालाइजर। तो अगर आप अपना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं तो आपको लेक्सिकल एनालाइजर भी बनाना होगा, समझे। तो दोस्तों अब इसके बाद आपने ये पूरे स्टेटमेंट को क्लासीफाई कर लिया वेरियस टाइप्स में,
यानी ए बी सी वेरिएबल्स है, इंट डेटा टाइप है, प्लस इक्वल टू, ये ऑपरेटर है। फिर इसके बाद आप चेक करेंगे कि जो सेंटेंस है ये ग्रामर के रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस इंट को उठाकर एंड में रख दूं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भी डेटा टाइप होता है वो पहले लिखा जाता है। तो दोस्तों, ग्रामर के हिसाब से ये सही ऑर्डर में अरेंज है कि नहीं, इसे हम कहते हैं सिंटेक्स एनालिसिस, और इसे करने वाले मॉड्यूल का नाम होता है सिंटेक्स एनालाइजर। तो सिंटेक्स एनालाइजर वो पार्ट होता है कंपाइलर का जो चेक करता है कि आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है वो ग्रामर के हिसाब से सही है कि नहीं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे एरर होते हैं ना जो ग्रामर के हिसाब से तो सही होते हैं लेकिन ग्रामर उसे कैच नहीं कर पाता, मतलब कुछ ऐसे एरर है जो सिंटेक्स एनालाइजर कैच नहीं कर पाएगा। इसे आप और बहुत अच्छे से समझेंगे जब आप सी प्रोग्रामिंग आगे समझ जाएंगे। तो आगे मैं इसी कोर्स में जब आपको कुछ सी के प्रोग्राम्स कराऊंगा तो उस समय फिर से मैं ऐसे एरर्स को आपको दिखाऊंगा जो हमारा सिंटेक्स एनालाइजर कैच नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ऐसे एरर को कैच करने का जो काम करता है उसका नाम है, उस मॉड्यूल का नाम है सिमेंटिक एनालाइजर। तो इसे मैं एक एग्जांपल के जरिए समझा देता हूं। बहुत अलग अलग टाइप्स के सिमेंटिक एरर्स होते हैं जिसे मैं आगे कवर करूंगा, लेकिन इस एग्जांपल के जरिए आप समझ जाएंगे। तो एक सेंटेंस देखिएगा, क्या ये जो मैंने सेंटेंस लिखा ये सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अब बोलोगे, मैं बोलूँ कैसे सही है, तो आप बोलोगे यस यस ही इज और इडियट ये सही ऑर्डर में आ रहे हैं, मतलब जो इंग्लिश सेंटेंस ग्रामर का रूल है, इंग्लिश ग्रामर के रूल को ये फॉलो कर रहे हैं, और ही इज और इडियट ये डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी में आने वाले वर्ड्स हैं, है ना। मतलब ये इंग्लिश में डिफाइन किए गए, ही का मतलब क्या है, इज का मतलब क्या है, इडियट का मतलब क्या है। लेकिन दोस्तों, इसी सेंटेंस को अगर मैं चेंज कर दूँ, ही इज बकलोल, ठीक है, समझ रहे हो। तो ही इज बकलोल जो सेंटेंस है यहाँ पर, तो क्या ये सही है? तो आपके हिसाब से सही होगा ना, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से ये इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से भी सही होगा कि जो यहाँ पर आप देखोगे कि ही इज और मतलब ये जो ग्रामर का ऑर्डर है कि प्रोनाउन देन वर्ब देन एडजेक्टिव फॉलो हो, या नाउन वर्ब एडजेक्टिव जो ऑर्डर फॉलो हो उस ऑर्डर को ये फॉलो कर रहा है, लेकिन ये गलत क्यों है? बिकॉज दोस्तों, ऐसा कोई भी वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में डिफाइन ही नहीं बकलोल करके, है ना, ये तो हिंदी का वर्ड है। तो दोस्तों, इसलिए ये जो है इसे ग्रामर नहीं कैच कर पाएगा, समझ रहे हो। तो इसे आपने कैसे कैच किया कि ये गलत है? क्योंकि ये जो वर्ड है ये इंग्लिश डिक्शनरी में डिफाइंड ही नहीं है वर्ड, ठीक है। तो दोस्तों, इसी तरह का मैं आपको एक प्रोग्रामिंग का एग्जांपल बताता हूँ। तो अगर आप ऐसा कोई वेरिएबल यूज करते हैं डायरेक्टली सी प्रोग्राम में अगर आप किसी वेरिएबल का यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा ए इक्वल्स टू फाइव, लेकिन आपने बताया ही नहीं कि ए है क्या, मतलब ए को डिक्लेयर नहीं किया। अब अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता होगा तो आपको जस्ट थोड़ा सा वेट करना होगा जब मैं आपको बताऊंगा डेटा टाइप के बारे में। तो दोस्तों, सी में हम जब भी किसी डेटा किसी भी वेरिएबल को यूज़ करते हैं ना, तो पहले हमें बताना होता है। जैसे इसके पहले मैंने आपको दिखाया इंट ए, तो हमने बताया कि ए में इंटीजर स्टोर होगा। अगर आप ये नहीं बताओगे ना कि ए है क्या, इंट है, उसका मतलब टाइप क्या है, उसमें स्टोर क्या होने वाला है, तो ये जो दोस्तों एरर होता है ना कि आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया, ये आपका ग्रामर कैच नहीं कर सकता। अब आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा, सर क्यों नहीं कर सकता? तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जब मैं प्रोग्राम कराऊंगा तो इसे और बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों, इस तरह के एरर को मतलब इतना फिलहाल समझ लीजिए कि उस तरह के एरर जो सिंटेक्स एनालाइजर कैच नहीं कर पाएगा लेकिन वो उसे सिमेंटिक एनालाइजर कैच करता है, ठीक है। तो वो एरर जो ग्रामर को तो सही फॉलो करते हैं, जैसे ये सेंटेंस आपने देखा ये ग्रामर के हिसाब से सही है लेकिन ये जो चीज़ है ये डिक्शनरी में डिफाइंड ही नहीं किया गया है, समझे। तो इसी तरह मैंने आपको ये क्यों बताया, ये जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि ऐसा वेरिएबल जिसे आपने डिक्लेयर ही नहीं किया है पहले, तो आपका कंपाइलर उसे एज अ एरर दिखाएगा सी प्रोग्राम में। अगर आपने किसी भी सी प्रोग्राम को लिखा है और किसी वेरिएबल को आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो, तो आपको एरर आता है अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, ठीक है। आगे प्रोग्राम जब मैं रन करूंगा तो आपको दिखाऊंगा ये एरर को, और तब मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि अलग अलग टाइप के एरर्स जो आते हैं प्रोग्राम में वो किस टाइप के एरर में बिलोंग करते हैं, लेक्सिकल, सिंटेक्स या सिमेंटिक, ठीक है। सो ये जो दोस्तों तीनों फेस एक साथ आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में कंट्रीब्यूट करते हैं एरर चेकिंग में। नेक्स्ट फेस की बात करते हैं जिसका नाम है ऑप्टिमाइजेशन। अब आपने जो भी कोड लिखा है उसे ऑप्टिमाइज करना भी बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास है ए इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो दोस्तों, ए इक्वल्स टू जो जीरो है उसके बाद का स्टेटमेंट क्या है, सी इक्वल्स टू फाइव प्लस ए। तो अगर आप लॉजिकली सोचोगे, यार ए तो जीरो है ना, ए तो जीरो है, तो अगर यहाँ पे जीरो पुट करें तो सी की वैल्यू क्या होगी, फाइव होगी। तो अगर आपके प्रोग्राम में ये दोनों स्टेटमेंट लिखे गए तो क्या इनको रिप्लेस करके मैं सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं लिख सकता सी इक्वल्स टू फाइव? क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू दोस्तों जीरो, तो यहाँ जीरो पुट करके तो सी फाइव आएगा ना। तो इस चीज को सीपीयू पे कैलकुलेट करने से अच्छा जो कंपाइलर है अगर उसे पहले ही इसे रिप्लेस कर दे, सी इक्वल्स टू फाइव लिख दे, तो आगे आपका टाइम बच जाएगा ना।
मतलब आपको इस चीज को सीपीयू पे रन नहीं करना पड़ेगा सी की वैल्यू निकालने के लिए। अभी आप सी की वैल्यू कैसे निकाल रहे हो, ए से निकाल रहे हो, लेकिन ए जीरो है। तो दोस्तों ऐसे स्टेटमेंट जिसे हम पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं बिना सीपीयू पे आगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किए कंपाइलेशन फेज में ही, मतलब जब आपका प्रोग्राम ट्रांसलेशन फेज में है, तो दोस्तों इस तरह के प्रोसेस को हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन के टाइप है, आपको इस लेवल पे नहीं समझेगा जब आप प्रोग्रामिंग किसी एक लैंग्वेज को समझ लेंगे। और इसी चीज़ को मैं आपको कंपाइलर कंस्ट्रक्शन वाले जो अपना कोर्स आएगा उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि कितने टाइप के ऑप्टिमाइजेशन होते हैं। लेकिन आपको इस लेवल पे इतना तो समझ गया होगा कि यार ये दोनों स्टेटमेंट को हटाकर, मतलब दो स्टेटमेंट को एक सिंगल स्टेटमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं सी इक्वल्स टू फाइव। तो आपका कोड छोटा हो गया ना, राइट? तो कोड छोटा हो गया तो फास्ट रन होगा, इतना आसान है इसे समझना। लेकिन दोस्तों किसी भी प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करने के लिए उसे एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना पड़ता है जिसके जरिए ऑप्टिमाइजेशन आसान हो जाता है। इसलिए सिंटेक्स एनालाइजर के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर वाला, मतलब पार्ट। तो दोस्तों ये इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो है ये आपके प्रोग्राम को लेकर उसे एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है। वो अब क्या होता है ये भी हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के फेज में देखेंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैं बस आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ, मतलब कंपाइलर करता क्या है और कैसे करता है, और उसकी इनडेप्थ एक एक डिटेल हम लोग पूरे कोर्स में देखेंगे। दोस्तों ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन ना एक पूरा कोर्स होता है, समझ रहे? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे मैथ्स होता है ना, तो वैसे ही कंपाइलर कंस्ट्रक्शन एक सब्जेक्ट ही है अलग से। तो ऐसा नहीं कि जैसे मैंने आपको बता दिया बस इतना ही है, एक एक के अंदर बहुत डिटेलिंग है। तो डिटेलिंग हम लोग अलग से ही देखेंगे जब मैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स कराऊंगा। लेकिन अब मुझे लगता है आपको इतना तो समझ गया ना कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर की वजह से क्या होता है, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन बनता है जिसके जरिए जो ऑप्टिमाइजेशन है, कोड ऑप्टिमाइजेशन, वो आसान हो जाता है। दोस्तों जो कोड ऑप्टिमाइजेशन का वाला पार्ट होता है, जिस जो प्रोग्राम कोड ऑप्टिमाइजेशन करता है उसे हम कोड ऑप्टिमाइजर कहते हैं। तो इतना फ्लो आपको समझ गया। तो ये जो दो पार्ट है ये किसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अब ये एक बार फेज हो गया, देन फाइनली जो ट्रांसलेटर का प्रोग्राम होता है कंपाइलर के अंदर, यानी टारगेट कोड जनरेटर, वो आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। दोस्तों किस में ट्रांसलेट करता है, लो लेवल लैंग्वेज में। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जो भी प्रोग्राम ट्रांसलेट हुआ है या तो वो 1.0 में डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाएगा या तो आपका कंपाइलर उसे असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। फिर असेंबलर नाम का दोस्तों प्रोग्राम उस असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हुए प्रोग्राम को फाइनली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अब आप सोचेंगे सर ये आपने क्या बताया, आपने तो पहले बोला कंपाइलर 1.0 में कन्वर्ट करता है, लेकिन आप बोल रहे हो कि कोई कोई कंपाइलर असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है फिर असेंबलर उसे 1.0 में कन्वर्ट करता है, ऐसा क्यों? दोस्तों इसे मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा इसी वीडियो सीरीज में, जब मैं आपको बताऊंगा कि किसी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो बेसिक ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में दोस्तों हम डिटेल में देखेंगे व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज, व्हाट इज असेंबलर, और नीड क्या है असेंबली लैंग्वेज का। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है, उसके क्या फंक्शंस हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।